अब 4 बजे करके पैदा पहले बनी हुई हमारे घर बहुत मोहम्मद रफी है। सर आप लोग यही ना खोज रहे थे कि आखिर खेसारी लाल यादव जी अपने इवेंट में पवन सिंह को करारा जवाब देंगे, तो लो भैया फाइनली खेसारी लाल यादव जी अब पवन सिंह जी को जवाब दे ही दिए हैं। और खेसारी इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मेरे लिए सम्मानित थे हैं और रहेंगे। साथ में उनके यूट्यूबर को तो भैया एकदम धो ही दिए खेसारी लाल यादव जी। ना सुनो तो सही, एक मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। दरअसल खेसारी लाल यादव जी के ये गाना आता है जिस गाने का बोल रहता है हद कदी राजा जी, और इस गाने का इवेंट रखा जाता है, इवेंट में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, तो इन्होंने अपने इवेंट में साफ साफ कह दिए कि पवन भैया हमको बुला रहे हैं तो उनको बुलाने का जरूरत है, वो ना भी बुलाएंगे फिर भी मैं उनके पास जाऊंगा और मैं जब तक इस धरती पे हूँ तब तक पवन सिंह हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति ही रहेंगे। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया हमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो हमको गाली देते हैं और वो शख्स उनको सम्मान देते हैं। और सर वाक्य में मानना पड़ेगा खेसारी लाल यादव जी को कि एग्जाम्पल भी क्या जबरदस्त दिया है उनको यूट्यूबरों को। अब बताई हमारे बेटा आगे तो गरिया या काफी पढ़ता कि ना एक नंबर काम बा भोगी के बपरे दू ना। इस पे आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला है, वहां से जाके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू आप सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब और फेसबुक पे देखना है तो सर फॉलो जरूर कीजिएगा।